श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको रामायण जो है बहुत मोटा है, पढ़ने में काफी वक्त लगता है, मैं आपको एक श्लोक ही रामायण बताने जा रहा हूं कि एक श्लोक में ही पूरे रामायण का फल होगा। मतलब पूरे रामायण का जो सार है वो उस एक श्लोक में होगा। आप उसका पठन कीजिए, जप कीजिए, मनन कीजिए, तो रामायण का जो पूरा फल है उस एक श्लोक में मिल जाएगा आपको। क्योंकि उस रामायण का जो मनन है वो व्यक्ति के पापों को दूर करके उसे प्रसन्नता और उत्साह से भर देता है और घर में सकारात्मक माहौल बना देता है और व्यक्ति अपने दुखों को दूर करता है। तो जो मंत्र है वो हम आपको बताते हैं। आदौ राम तपोवना दिग्मना हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभासनम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद्रावणम कुंभकर्ण हनन मेतति रामायणम। ये पूरा एक श्लोकी जो रामायण है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख देंगे। इसके करने की विधि भी हम आपको बता देते हैं। हम वापस पूरा एक श्लोकी रामायण बोल रहे हैं। आदो राम तपोवना दिग्मनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभासनम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद्रावण कुंभकर्ण हनन मत्स्यदी रामायणम। अब इसी करने की जो विधि है वो हम आपको बता देते हैं। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान कीजिए, उसके बाद उन्हीं आसन पर पूर्व की तरफ मुख कीजिए या फिर उत्तर की तरफ मुख करके बैठ जाइए और अपने समक्ष भगवान राम के चित्र रखें। भगवान राम का ध्यान करके श्लोक का प्रतिदिन 11 बार या फिर 21 बार जाप कीजिए। अगर मंत्र पढ़ने में या एक श्लोकी रामायण बोलने में दिक्कत हो रही हो तो आप उसको लिख लीजिए और फिर उसका पठन कीजिए। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।